आज मिलवाएंगे आपको कर्नाटक की एक ऐसी महिला से जिसने साबित किया कि उड़ान पंखों में नहीं हौसलों में होती है। शुरू किया अनोखा स्टार्टअप विलेज स्टोरी और लोगों को सिखा रही है ऑर्गेनिक स्क्वायर फुट फार्मिंग। क्या है ये विलेज स्टोरी स्टार्टअप और क्या है ऑर्गेनिक स्क्वायर फुट कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट, आइए बताते हैं आपको। ग्रीन टीवी के आज के वीडियो में मैं स्मिता सुनाऊंगी आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो आप में खेती के प्रति प्रेम को और गहरा करेगी। अगर ये वीडियो देखने वाले दर्शक किसानी के अलावा किसी और क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो वो ये कतई न सोचें कि वीडियो में उनके मतलब का कुछ नहीं। किसानी सिर्फ किसान का विषय है, इस सोच से थोड़ा ऊपर उठिए और अनामिका बिष्ट के जैसा सोचिए। देश की एक चौथाई शिक्षित पीढ़ी भी अगर इस सोच को पाल ले तो यकीन मानिए देश को फिर से सोने की चिड़िया बनते देखने का सपना साकार हो जाएगा। खैर चलिए बात उनकी करते हैं जिनके चर्चे आज चारों ओर हैं। नाम है अनामिका बिष्ट। किसान नहीं है लेकिन किसानों के लिए मिसाल है, प्रेरणा है। साल 1973 में अनामिका का जन्म बोकारो झारखंड में हुआ, लेकिन सुनहरे भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई करने वो मुंबई आ गई, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली NIFT से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर अच्छी जॉब की तलाश में रुख किया कर्नाटक बेंगलुरु का। यहां उन्होंने रिटेल सेक्टर ज्वाइन किया। 21 साल लगातार कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक एक दिन नौकरी छोड़ दी क्योंकि नौकरी में उन्हें मन की संतुष्टि नहीं मिली। और फिर अनामिका ने शुरू किया जमीन से जुड़ा काम, 1 एकड़ से भी कम जमीन पर खेती। लेकिन अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अनामिका ने खेती क्यों शुरू की, इस स्टार्टअप की शुरुआत का मकसद क्या है, इसके लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, सुनिए। हमने ये 2 साल पहले ये सामूहिक खेती शुरू किया, कम्युनिटी स्क्वायर फुट फार्मिंग इसको बोलते हैं हम लोग। काफ़ी सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 50-60 प्लॉट्स हैं। पहले हम अपने घर के लिए उगाते थे और धीरे धीरे फसल काफ़ी सारा होने लगा तो हम लोगों ने शेयरिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे इसको सामूहिक खेती के अंदर तब्दील कर दिया। ये सभी के अंदर होता है कि हमारा एक खेत हो जिसमें हम अपनी सब्जियाँ उगाएँ और जाकर के अपनी सब्जियां तोड़े, पता चले हमारी सब्जियां कहाँ से आ रही है, पता चले हमारा खाना कहाँ से आ रहा है। बस एक छोटा सा सिंपल आइडिया था ताकि हम लोग सब साथ में उगाएं, बच्चे साथ में उगाएं, अपने मदर अर्थ के साथ हम लोग जुड़ जाएं, और इसी आइडिया को लेकर के हमारी कम्युनिटी फार्मिंग शुरू हुई। अनामिका के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन थी लेकिन इरादे नेक और बुलंद थे, इसलिए सफलता भी मिली। अनामिका ने इस जमीन पर ऑर्गेनिक स्क्वायर फीट कम्युनिटी फार्मिंग करने का फैसला किया और इसके लिए विलेज स्टोरी नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। अनामिका ने इस स्क्वायर फीट फार्मिंग कॉन्सेप्ट के तहत अर्बन फैमिलीज को खुद की खेती करने के लिए आमंत्रित किया। स्क्वायर फीट फार्मिंग क्या है वो अनामिका से ही सुनिए। स्क्वायर फुट फार्मिंग में हम 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन देते हैं। पर मंथ हम 2000 रुपये लेते हैं लोगों से, जिसमें आपको सभी चीज़ यहाँ पे हम प्रदान करेंगे, सीड से लेकर के मैन्योर, पानी, डीवीडिंग, उसका ख्याल रखा जाएगा। आपके पास टाइम नहीं, आपके पास जब टाइम हो, आपके पास वीकेंड में टाइम हो, छुट्टी में हो, आप कभी भी आकर के हमारे से हमारे साथ ये खेती कर सकते हैं, अपने हार्वेस्ट खुद ले सकते हैं, अपनी डीवीडिंग खुद कर सकते हैं। अनामिका ने विलेज स्टोरी के माध्यम से ये एक अच्छी पहल की है, शहरी लोगों में ये समझ पैदा करने की कि मेहनत से उगाया हुआ जाया न जाए। अनामिका ने खेती से लगाव रखने वाले जिन लोगों को ऑर्गेनिक स्क्वायर फीट कम्युनिटी फार्मिंग से जोड़ा है उनमें सीखने वाले भी हैं और सिखाने वाले भी। समुदाय के इन्हीं एक्सपर्ट्स को साथ लेकर अनामिका वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं। इन वर्कशॉप्स में लोगों को जैविक और सस्टेनेबल खेती के गुर सिखाए जाते हैं। एक अनोखी वर्कशॉप है फार्म टू टेबल, जिसमें सिखाया जाता है कि जो कुछ हम उगाते हैं उसे किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अनामिका के बनाए हुए किसान समूह में 200 से ज्यादा किसान भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं किसानों के उत्पाद बिक्री के लिए अनामिका हर महीने
फार्मर बाजार भी लगाती हैं। इसके अलावा विलेज स्टोरी के तहत कई और विषयों पर भी काम किया जा रहा है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फार्म एंड विलेज टूरिज्म, जिसके तहत अनामिका पर्यटकों को कर्नाटक के ऐसे गांव विजिट कराती हैं जो स्वावलंबी हैं। हर घर में अपना रोजगार है, फिर चाहे वो साड़ी बुनना हो या फिर चिप्स बनाना। इसके अलावा बैक टू बेसिक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए आप अपने आधार से जुड़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल वे टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत ये सिखाया जाता है कि त्योहार मनाइए लेकिन इको फ्रेंडली वे में। स्कूल लर्निंग प्रोग्राम, स्कूल में मिनी फार्म सेटअप लगाना, घरों में किचन गार्डन के लिए वर्कशॉप, इस तरीके की वर्कशॉप भी अनामिका आयोजित करती हैं। यानी अर्बन आबादी में खेती की खुमारी जगाने वाली अनामिका विलेज स्टोरी के तहत शहरी आबादी को गांव की सादगी से जोड़ने के काम बखूबी कर रही हैं। देश की आने वाली पीढ़ी यानी आज के बच्चे अपने वास्तविक आधार से परिचित हों, इसके लिए अलग अलग स्कूलों के बच्चे विलेज स्टोरी के फॉर्म पर बुलाए जाते हैं और अपने वास्तविक आधार से उन्हें मिलाया जाता है। कैसे बीज लगता है, कैसे पानी डाला जाता है, पौधे कैसे उगते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे उन पर फूल खिलते हैं, इन नन्हे फरिश्तों को अनामिका प्रकृति की इन तमाम खूबियों से रूबरू कराती हैं। देखा जाए तो अनामिका निस्वार्थ भाव से आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान दे रही हैं जो बड़ी बड़ी किताबों से गायब है। और सही भी है, जब तक ये नन्हे मासूम ये नहीं समझेंगे कि जो मॉल और मंडियों की दुकानों से उनकी थाली तक पहुंचा है उसे उगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तब तक खाद्यान्न के प्रति आदर इनमें कोई ज्ञान भर नहीं सकता, सिवाय इस एक जमीनी ज्ञान के। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप किसान के बच्चे हैं या आप का बैकग्राउंड खेती है तभी आप खेती कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, बट एक 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 लगन है ताकि हमें अपना खाना उगाने को मिले, हम अपना उगाया हुआ खाएं, केमिकल फ्री खाएं। बस हम ये चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा एजुकेशन और डिजिटल माध्यम से आप शेयर करें, आप जो कर रहे हो अपने खेत में, जो कर रहे हो कुछ नया कर रहे हो, कोई और कोई नया कर रहा है, आप उनका शेयर लीजिए। तो नॉलेज शेयर बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विलेज स्टोरी की शुरुआत अनामिका ने की थी 15 अगस्त 2017 को। अब अनामिका इसे विस्तार देना चाहती हैं। अनामिका का कहना है कि वो जल्द ही देश के दूसरे शहरों में भी विलेज स्टोरी स्टार्टअप के तहत शहरी आवाम को खेती के गुर सिखाने की कार्यशालाएं आयोजित करेंगी। अनामिका की कहानी सुनने और देखने वालों को लग रहा होगा कि विलेज स्टोरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें 5,500 कर्मचारी काम करते होंगे, तब ये काम इतना सफल हो पाया है, यहाँ तक पहुँचा है। गलत। अनामिका अकेली हैं जिन्होंने विलेज स्टोरी के अपने सपने को पंख दिए और उड़ान भी दी। हाँ, 6 महीने पहले विलेज स्टोरी को ज्वाइन किया है अब्दुल शुक्र ने। इसके अलावा इस फार्म पर 2 मजदूर भी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं। बीते 2 सालों में 15,000 से 20,000 लोग अनामिका के इस फार्म को विजिट कर चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग इसे अपनाने की इच्छा भी जाहिर करने लगे हैं। ख्वाब बड़े हैं, हौसले बुलंद हैं और उड़ान भी ऊंची है, लेकिन सफलता हर कदम अनामिका के संग संग चल रही है। शहरी चकाचौंध में गुम लोगों में खेती का जो अलख अनामिका ने जगाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।